जय श्री राम दोस्तों। भिखारी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा भाई, भिखारी हर तरह के होते हैं। तो एक भिखारी थे बिहार के, डिजिटल भिखारी के नाम से जाने जाते थे। अगर उन्हें कोई भी लोग गूगल पे सर्च करते थे डिजिटल भिखारी के नाम से, तो सबसे पहले उनका ही नाम था आता था भाई। उनका नाम था भाई, बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम था भाई राजू। और वो मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन थे। और सबसे पहले आप सभी ये वाली मनीष कश्यप जी की वीडियो देख लो। जय हिंद। भारत का पहला डिजिटल भिखारी बेतिया रेलवे स्टेशन पे रहने वाला राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिला और मैं आया। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और राजू ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो जैसे आप सभी ने वीडियो के अंदर देखा भाई, मनीष कश्यप जी बता रहे हैं कि राजू एक डिजिटल भिखारी था और मनीष कश्यप का बहुत बड़ा फैन था। उससे पहले वो लालू यादव का फैन था। तो उन्होंने डिजिटल अपनाया और अपने लाइफ में बहुत चेंजिंग करा भाई। और राजू जो भाई थे डिजिटल भिखारी थे, और वो रेलवे स्टेशन पे भीख 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 मांगते थे और वहीं रहते थे और वहीं खाना खाते थे। तो भाई उनकी बहुत टाइम से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो मनीष कश्यप जी ने बोला उनके बारे में कि बहुत अच्छे इंसान थे वो। जो उनसे कोई भी मिलता था तो भाई उनको अच्छी अच्छी राय देते थे, बातें करना, कैसे बातें करते हैं, कैसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, और ऐसे ऐसे बात बता रहे हैं मनीष कश्यप भाई। और भाई मनीष कश्यप जी ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव खत्म होने के बाद मैं उनका राजू डिजिटल भिखारी के नाम से उनका एक पोस्टर लगवाऊंगा रेलवे स्टेशन पे। तो भाई एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखते हैं भाई। वो मनीष कश्यप जी राजू की फोटो लगवाते हैं कि नहीं लगवाते। और वो बहुत अच्छे राजू भाई थे, जो भाई लोगों को अच्छी अच्छी बात बताते थे, शिक्षा देते थे। और बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे लोग। तो भाई और भाई जो जो भाई मनीष कश्यप को भाई सपोर्ट करता है, वो भाई कमेंट में अपनी राय बताना जरूर। और भाई और बहुत लोग भाई बोल रहे थे कि मनीष कश्यप जी चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार इलेक्शन हो जाने दो, 5 महीने को उन्होंने टाइम मांगा, एक बार हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। और भाई राजू के लिए भाई, अपने राजू के लिए और राजू के लिए भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनको आत्मा को शांति मिले। और बस, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री।